बांदा कस्बा कमासिन में पेयजल की भीषण समस्या लगातार बनी हुई है। आपको बता दें, यह पूरा मामला जनपद बांदा के विकासखंड कमासिन का है, जहां पर जलकल विभाग के कर्मचारी तमाम तरह के बहाना बनाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। मोटर बदलने के नाम पर तमाम बहानेबाजी कर रहे हैं। जब संपर्क किया जाता है तो झूठा बहाना बनाकर कहते हैं कि मोटर बदली जा रही है, जबकि जब स्थानीय लोगों से जाकर संपर्क किया गया तो पता चला कि जानबूझकर के बिगड़ी मोटर को बार बार लगाकर कह देते हैं मोटर दूसरी अब बदली जाएगी, यह खराब हो गई है। पूरे कस्बे में पेयजल की समस्या से लोग परेशान हैं। गांव सभा के तमाम हैंडपंप भी जवाब दे चुके हैं, जिससे समस्या और भी बदतर हो गई है। कस्बा निवासी बबलू तिवारी, राम प्रकाश यादव, ज्ञान यादव, अरुण मिश्रा, राजनारायण रुपोलेहा, रज्जू वर्मा, भारत लाल यादव आदि ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि जलकल विभाग के कर्मचारियों की जांच होना चाहिए, जिससे सही स्थिति का पता चले। कर्मचारी दिनेश सिंह ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है, पानी की सप्लाई जल्द चालू होगी। कमासिन के प्रधान प्रतिनिधि बाबा अरविंद गुप्ता ने मौके पर जाकर कर्मचारियों से संपर्क किया और वस्तुस्थिति की जानकारी लिया। पाया गया कि कर्मचारी जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा, यदि जलकल की सप्लाई जल्द शुरू नहीं की गई तो इन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु लिखा पढ़ी की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा, यहां पर 13 कर्मचारी नियुक्त है, लेकिन काम केवल 3 लोग ही करते हुए दिखाई देते हैं, बाकी कर्मचारियों का अता पता नहीं रहता। यहाँ KJE भी अपने कर्मचारियों के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं और हकीकत को छुपाते हैं, समस्या का हल पूछने पर वह भी बहानाबाजी करते हैं। रिपोर्ट प्रभंजन कुमार गुप्ता, ब्लॉक संवाददाता कमासिन, AVP भारत न्यूज चैनल। बाबा क्या यहाँ जो है कई सालों से जल विभाग का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा। कमासिन की जनता प्यासी पड़ी रहती है और ये लोग दारू पिए पड़े रहते हैं। इनका यही रवैया है। आज 10-15 दिन के अंदर तीसरी चौथी मोटर जल गई। अब जब ऊपर हम जे से बात करते हैं तो वो कह रहा आ रहे हैं वही पुरानी मोटर बार बार रिपेयरिंग करवा के डाल रहे हैं, इसका पैसा पूरा निकाल के खा रहे हैं। देखिए पूरे पाइप बोल रहे हैं यहाँ के बाबू की 13 कर्मचारी हैं और वास्तविकता में यहाँ 3 कर्मचारी हैं, वो भी पैसे वाले। बकाया 13 कर्मचारियों का जो वेतन निकलता है ये सब पूरे कर्मचारी मिल के खा रहे हैं उस पैसे का, और जनता यहाँ की प्यासी मर रही है। यहाँ कोई नहीं है सुध लेने वाला। आप प्रधान जी जो बांदा के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वो आके यहाँ तत्काल यहाँ आके यहाँ की समस्या देखें, यहाँ की गंदगी देखें, यहाँ की टंकी का हालचाल देखें, यहाँ की पाइपलाइन देखें, और जो 13 कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं वो आके हमको बताएं कि 13 कर्मचारी ये हैं और इस टंकी की और ये ट्यूब। हमारा नाम दिनेश प्रताप सिंह है। आप यहाँ पे किस पोस्ट में तैनात हैं? हम लिपिक के पोस्ट में तैनात हैं। बाबू जी ये बताइए, आप जो है महीने में कम से कम नहीं तो 7 दिन पानी पहुँचता है, बाकी दिन पानी नहीं पहुँचता है। दरअसल में कभी कभी लाइट यहाँ जो है पन्ना फीडर से जुड़ी हुई है, और यहाँ जो है अगर आप उस लाइट को कस्बा से टाउन से जुड़वा दें तो शायद ये है कि काफ़ी असर सुधार हो जाए, क्योंकि पन्ना फीडर में लाइट उतना पर्याप्त मात्रा में ना रहने की वजह से जो लाइट मिलती है उसमें चलाया जाता है, लाइन लंबी पड़ जाती है, इसलिए लाइट थोड़ी सी हवा चलने में फाल्ट मार जाती है। ग्रामवासियों का ये कहना है कि वहाँ पर जितने भी हमारे कर्मचारी है वहाँ पे पानी वाले सब जो है दारू पीते हैं, दारू के नशे में वहाँ दिन भर रहते हैं, कोई जो है देखने सुनने वाला नहीं है, पी के सब जला जुला डालते हैं। ऐसा एक बात है? नहीं ऐसा तो नहीं है, पर यह कि कभी कभार कोई खाने पीने वाला है खा पी रहा है तो उसको मना भी नहीं किया जा सकता भाई, वो अपना पैसे से पी पा रहा है, और ड्यूटी टाइम में ऐसा नहीं कि कोई पीता पाता हो। ये जो आपकी मोटर जली हुई है तो एक हफ्ते से जली हुई है? एक हफ्ता हो गया आपका? नहीं एक हफ्ता नहीं हो गया, अभी जो है कल जली हुई है और इसके पहले चल रही थी मोटर। हफ्ते में ये 15 दिन में अभी कितने बार जल चुकी है ये बताइए आप? 15 दिन में तो ये मान के चलिए कि 2 बार जल गई है। तो इसका अच्छे से काम क्यों नहीं करवा रहे आप? नहीं अच्छा से नया क्यों नहीं मंगवा रहे? आपके अधिकारी सुन नहीं रहे हैं क्या? अब ये टेक्निकल फॉल्ट है, नहीं अधिकारी सुन रहे हैं, अधिकारी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अब ये टेक्निकल फॉल्ट है, बीच में ट्रांसफार्मर की खूंटी टूटी और वो दूसरे फेस में लड़ गई, मोटर जल गई। कमासिन कस्बे के अंदर समझ जाइए 15 दिन से एक बूंद पानी नहीं पहुंच रहा है, यहाँ के लोग जो है पानी